हाँ तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में एक कीटल दिखाया गया है और फिर बच्चों उसका हाइड्रोलाइसिस करना है और हाइड्रोलाइसिस के बाद हीट भी करना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहला नंबर तो बच्चों देखिए, ये जो ग्रुप है ये एक एस्टर ग्रुप है, ये भी एक एस्टर ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। तो यहाँ बच्चों H2O को इस तरह से रख करके इसको तोड़ दीजिए और ये CO ग्रुप जिसके साथ है ना बच्चों, वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा बच्चों अल्कोहल। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में बच्चों कार्बोक्सिलिक बनता है, बाकी दोनों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, इसका जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर बनेगा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ भी बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बच्चों ये क्या है, ईथर। ईथर का हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी वही बात, एच यहाँ रख दीजिए, OH यहाँ रख दीजिए बच्चों और इस तरह से इसको तोड़ दीजिए, तो ये दोनों पार्ट जो है बच्चों अल्कोहल बन जाता है। दोनों पार्ट क्या बन जाएगा बच्चों, अल्कोहल। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर इस बॉन्ड को भी तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को भी तोड़ दीजिए और इस कार्बन में दो बार OH जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर OH जोड़ोगे बच्चों, अभी बताया ना मैंने, ईथर जब टूटेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से अल्कोहल बनेगा। तो इसको इस कार्बन में भी OH जोड़ दीजिए, इसमें भी H जोड़ दीजिए, ऐसे यहाँ पर भी बच्चों ये हो जाएगा। तो अब अगर आप गौर से देखिए तो ये है जैम डाइओल है और जैम डाइओल एसिडिक मीडियम में बच्चों क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही H2O का रिमूवल होगा बच्चों, तो यहाँ पर फाइनली ये C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये है बच्चों अल्फा और ये है बीटा, इधर से भी अल्फा ये बीटा, ये बन गया बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। अब आपने हीटिंग इफेक्ट पर रखा है बीटा कीटो एसिड का, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 का रिमूवल होगा यहाँ से भी और CO2 का रिमूवल होगा यहाँ से, बोले तो 2 मोल CO2 रिमूव हो जाएंगे और फाइनली बच्चों साइक्लोहेक्सेनोन के रूप में मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड ऑन हीटिंग, इसमें भी हीटिंग इफेक्ट पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, ये बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और ये बच्चों जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा और तीनों हमें समझना चाहिए। सबसे पहला नंबर बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को जब हीट किया जाता है बच्चों तो एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है बच्चों लैक्टाइट। इसमें बच्चों इसके 2 मोल यूज में लिए जाते हैं, कैसे ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों CH, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों OH लिख दीजिए, यहाँ पर CH3 इस तरह से लिख दीजिए, फिर बच्चों यहाँ पर COOH लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर बच्चों यहाँ पर यहाँ OH, फिर यहाँ पर बच्चों CH, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर CO और यहाँ पर OH ऐसे लिख दीजिए और फिर बच्चों यहाँ पर CH3, मतलब 2 मोल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को इस प्रकार से अरेंज करना है कि CO कार्बोक्सिलिक के सामने इसका OH आ जाए
और इसके कार्बोक्सिलिक के सामने इसका ओ एच आ जाए, इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है ना बच्चों। अब आपको तो पता है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी आमने सामने होते हैं बच्चों, वहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, H2O का रिमूवल होगा, लेकिन H2O का रिमूवल भी एक विशेष तरीके से होता है। कार्बोक्सिलिक में से OH और अल्कोहल में से H, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक से OH और अल्कोहल से H का रिमूवल होगा, फाइनली 2 मोल H2O का रिमूवल हो जाएगा और बचेगा क्या, अब जो बचेगा उसको लिखना है, CH लिख दीजिए, फिर बच्चों यहाँ पर CO लिखिए, है ना, और फिर बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन लिखिए, लिख दिया, फिर एक बॉन्ड नीचे जाने दीजिए, फिर यहाँ CH लिख दीजिए, फिर बच्चों यहाँ सीधा जाइए, यहाँ ऑक्सीजन लिखिए, फिर यहाँ पर बच्चों CO लिखिए, फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, यहाँ पर CH3 इधर लगा दीजिए बच्चों, और यहाँ पर CH3 इधर लगा दीजिए, लगा दिया, ये एक साइक्लिक कंपाउंड बना। अब आपको दिमाग लगाना है क्या ये साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड में रिंग में GI दो कारण से होता है, एक तो sp3 कार्बन के कारण और दूसरा C डबल बॉन्ड C के कारण। लेकिन C डबल बॉन्ड C के कारण तो तब होगा ना जब रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड C होगा, वो तो है नहीं बच्चों, लेकिन रिंग में दो sp3 कार्बन ऐसे प्रजेंट हैं जिन पर ग्रुप लगे हुए डिफरेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर ये सी, तो यहाँ पर एक HCH3, यहाँ पर भी HCH3 है बच्चों, तो दो sp3 कार्बन ऐसे प्रेजेंट है जहाँ पर ग्रुप डिफरेंट है, तो बच्चों ये कंपाउंड में मतलब बोले तो इस रिंग में GI होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ड्यू टू sp3 कार्बन। एक बार इन दोनों कार्बन में CH3 को ऊपर रख देंगे बच्चों, है ना, दोनों को वेज पर रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा, और एक को वेज डैश कर दीजिए तो ट्रांस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और वो जो कंपाउंड बना बच्चों उसका नाम होता है लैक्टाइड। क्लियर है, बी ऑप्शन। अब ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है बच्चों, सारे चेक करने पड़ेंगे। ये देखिए जो है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट किया जाता है बच्चों, तो यहाँ से फिर से क्या होगा, CO2 का रिमूवल हो जाएगा। CO2 का जैसे ही रिमूवल होगा तो बच्चों यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पर एक क्लोरीन इधर रह जाएगा। अब आप गौर से देखिए तो रिंग में बच्चों दो sp3 कार्बन फिर से प्रेजेंट हैं, रिंग में दो sp3 कार्बन फिर से प्रेजेंट हैं जहाँ पर लगे हुए ग्रुप क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी GI होगा ड्यू टू sp3 कार्बन इन रिंग। क्लियर है बच्चों। अब ये है बच्चों अल्फा बीटा, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बच्चों जैसे ही आप इसको हीट करोगे बीटा हाइड्रोक्सी को एसिड, तो यहाँ पर बच्चों E1CV मैकेनिज्म लगेगा। E1CV का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि अल्फा कार्बन पर कोई -M ग्रुप प्रेजेंट हो और बीटा कार्बन पर बच्चों कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है ना, और आपको तो पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है पुअर लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। अल्फा कार्बन पर -M ग्रुप, बीटा कार्बन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ये लिविंग ग्रुप है बच्चों, ठीक है ना, उसको अगर हीट किया जाए तो E1CV मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा बच्चों, है ना, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से CH3 और अल्फा बीटा के बीच में हमें इस तरह से H2O का रिमूवल कर देना है बच्चों, OH यहाँ से ले लेंगे, H यहाँ से ले लेंगे, और इस तरह से बच्चों ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बन गया बच्चों। अब आप गौर से देखिए तो ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्यों करेगा, C डबल बॉन्ड C के कारण करेगा, ठीक है बच्चों। इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। किस कारण से होगा, C डबल बॉन्ड C के कारण से होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर डी होगा।